हे गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 5 के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ओप्पो सीधे ओप्पो रेनो 3 के बाद ओप्पो रेनो 5 को लॉन्च करने वाला है। पता नहीं फ्रेंड्स, इन चाइनीज कंपनी को 4 नंबर से क्या दिक्कत है। यहाँ पर चाइना में 4 नंबर को अशुभ माना जाता है और ओप्पो और रियलमी जैसी कंपनी इस चीज़ को फॉलो करती है, बट शाओमी जैसी कंपनी इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है। चलिए तो इस बात को छोड़िए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर मैं इसकी डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो इस फोन में आपको 6.6 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्मूथिंग रेट डिस्प्ले का देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसमें परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 855 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि एक 5G चिपसेट है। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये फोन ओप्पो की तरफ से 5G होने वाला है और आप इसमें आसानी से 5G चला पाएंगे। अगर मैं इसमें फ्रंट कैमरे के बारे में बताऊं तो इसमें आपको 16MP का AI सेल्फी कैमरा विद पॉपअप के साथ देखने को मिल जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, इस फोन में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस फोन में रियर कैमरे के बारे में बताऊं तो इस फोन में आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको फोटो की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी आने वाली है और इस फोन में आपको 5x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस फोन की स्टोरेज के बारे में बताऊं तो ये फोन आपको 8GB रैम, 256GB स्टोरेज के बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्टोरेज की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस फोन में आपको 4065 4065mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी विद 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगी और इस फोन में आपको वूक चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपकी बैटरी यहाँ पर बहुत ही जल्दी चार्ज होने वाली है। अगर मैं इस फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बताऊं तो इस फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको आगे की साइड गोरिल्ला ग्लास 6 की और पीछे की साइड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपकी प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बताऊं तो ये फोन आपको इंडियन मार्केट में 39,990 रुपये के आसपास प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये फोन इस प्राइस रेंज में और इन स्पेसिफिकेशंस के साथ काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अगर मैं इसके लॉन्च डेट के बारे में बताऊं तो यहां पर ये फोन चाइना में मई के आसपास लॉन्च होगा। तो फ्रेंड्स, अप्रोक्स जून के आसपास ये फोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको इसकी कौन सी स्पेसिफिकेशन सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।